कैसे ना अरविंद भाई, हर चीज़ का जवाब एक यस नो यार ऐसे पे नहीं होता है। कुछ चीज़ बड़ी एक्सप्लेन करना होती है। लाल बहादुर शास्त्री से एक पत्रकार ने पूछा कि आप 9:30 बजे अपने परिवार के साथ टाइम पास कर रहे हो, आप तो देश के राष्ट्रपति हो। तो बोले जब तक मैं राष्ट्रपति भवन में होता हूँ तब तक मैं राष्ट्रपति हूँ, उसके बाद भी मेरा परिवार है जिसके बाद समय व्यतीत करता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको पैसे से भी जोड़ सकते हो। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों को देखा है, बहुत सारे जिसने रामायण में पात्र किया, जिसने बड़ी बड़ी मूवियों में हेल्प किया, उनका बुढ़ापा पता है बड़ा आर्थिक तंगी में बीता। तो आधी से ज़्यादा हिंदुस्तान की दुनिया, खासकर आर्टिस्ट, वो सिर्फ एप्रिसिएशन कमाते हैं, वो सिर्फ एप्रिसिएशन कमाते हैं, और एप्रिसिएशन से घर नहीं चलता है, एप्रिसिएशन से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो एप्रिसिएशन के साथ थोड़ा सा इंसेंटिव, थोड़ा पैसा भी अगर आ गया तो आदमी खुद कलाकार अपने आप को और बढ़ाने की कोशिश करता है। आप समझिए, आज विराट कोहली, अमिताभ बच्चन है, वो इतनी मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, दान भी करते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, कम भी लेते हैं, हर जगह पैसा भी नहीं लेते, और वो एक ऐसा फ्यूल है, वो एक ऐसा मोटिवेशन है जो उनको और 100x ग्रोथ करने में मदद करता है। आज अमिताभ बच्चन के पिछले 50 साल देखे तो आज भी बुढ़ापे में वो अपने जवानी के समय से ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। आज विराट कोहली को देखो, आज अपने करियर की चरम सीमा पे और आगे और अच्छा डिलीवर करेंगे, और से ज़्यादा शतक लगेंगे। तो जिस दिन एप्रिसिएशन प्लस अमाउंट का इक्वल हो जाता है, वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, और हमें भी हमारा घर चलाना होता है,